जैसे आपको पता है कुछ ही दिनों में खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी और वो जल्द ही टीवी पे दस्तक देने वाला है। इसी बीच सभी इंडिविजुअल्स यानी कि सारे कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड प्रोमो रिलीज होते जा रही हैं। अब हम बात करेंगे जिस कंटेस्टेंट की, वो है टीवी की काफी ज्यादा पॉपुलर बहू और उन्होंने काफी अच्छे सीरियल में काम किया है, भाभी जी घर में, और वो काफी ज्यादा इस ही सीरियल की वजह से उन्होंने फेम कमाया है अगर हम देखें तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली शिल्पा शिंदे की। काफी इंटरेस्टिंग भी इनकी एंट्री होती है, हाथों में गुलाब लिए ये नजर आती है ना, तो क्या बचता है इनके पीछे, ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ कभी अटके कभी झटके, झटके से समझ आ गए होंगे इनको, झटके वाला इनके स्टंट दिखाया जाएगा। जो रोहित शेट्टी की जो है ना पंच लाइन है, क्या पंच लाइन है वो मैंने आपको बता दी है इन दी शॉर्ट में, क्या है, ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ कभी अटके कभी झटके। काफी ज्यादा इसमें पहले ही बता दिया गया है झटके वाला इनको स्टंट दिया गया है जी। तो देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है इनका, पहले तो फूल वाला सीन दिखाया जाता है, जब फूल वाला सीन दिखाया जाता है ना तो उनको ना क्या होता है कि वो ये वाली चीजें बोली जाती है रोहित शेट्टी के थ्रू बैकग्राउंड में। इसके बाद क्या होता है कि उनको ना एक स्टंट दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बॉल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें क्या होता है कि ऐसे लंबे लंबे होते हैं उसमें ना क्या होता है बॉल्स होती है, उस बॉल को निकालना होता है और वो जिस बॉल को टच करते उन्हें काफी ज्यादा झटके लगते हैं। सारे कंटेस्टेंट उनके ऊपर हंसते, क्यों हंसते, क्योंकि जब किसी को चटके लगते हैं तो आ करता है, लेकिन बहुत दुख हो भाई, बहुत कष्ट में है उनको करंट लग रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि जो बैकग्राउंड से एक और आवाज आती है रोहित शेट्टी की, ये रोमानिया है यहाँ खतरे ही खतरे है। इसके बाद लास्ट में वही वाला वॉइस है, वही वाला सीन है, लिखूंगा डर की नई कहानियां इन रोमानिया, यही चीजें रहती है पूरे प्रोमो में। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोमो स्टार्टिंग में तो देख लिया होगा, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने